चलिए, आज हम लोग का नेक्स्ट क्लास है। आज हम लोग का क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट जानेंगे और साथ में एक क्वेश्चन इसका बनाएंगे। लास्ट के क्लास में हम लोग का एक क्वेश्चन बनाए थे ना, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होने के साथ साथ में एक क्वेश्चन भी बनाए थे। आज के क्लास में हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट समझेंगे और साथ में इसका एक क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है। पहले ये हमको बताओ कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, बताए भी थे। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, है ना, ऑल इनकम आर क्रेडिट, यानी जितने भी जो खर्च होंगे वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा और जितने भी जो इनकम है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, पहला। दूसरा बात है कि इसमें कौन सा रिजल्ट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या नेट प्रॉफिट आएगा? इसमें नेट प्रॉफिट का फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, पहले हम क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग को फॉर्मेट समझ लेना कि आखिर इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। दूसरी बात, इसमें किस प्रकार का एक्सपेंसेस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, याद रखिएगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, जैसे कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा जो बिजनेस का डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब फैक्ट्री का एक्सपेंसेस जो था वो सिर्फ माइनस किया गया। सामान बन रहा है ना, सामान बना, जो फैक्ट्री में बना, मटेरियल हो गया, लेबर लग गया, फैक्ट्री में क्या क्या खर्च होगा? फैक्ट्री का खर्चा हो गया और मटेरियल का खर्च हो गया, और बस मोटा मोटी चीज़ें और जो बेचे सो उसको माइनस कर दिए, हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन वो नेट प्रॉफिट नहीं हुआ है क्योंकि वो सामान को बेचने में और भी सारा का खर्च हुआ है कि नहीं? वो सामान को अगर हम बेचें, हम लाएंगे कहाँ पर? ऑफिस में लाएंगे, मार्केट में लाएंगे, विज्ञापन करना होगा, तो ये सारा खर्च इधर का माइनस नहीं किया जा रहा है। मैनेजमेंट का खर्च लगेगा बेचने में, जहाँ पर हम मॉल में, अगर हम मॉल में करके उसको बेचते हैं तो वहाँ का हमारा खर्च होगा, सैलरी पेमेंट करना पड़ेगा ऑफिस का, है कि नहीं? तो ये सारा, यानी टोटल अगर एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तब हमारा कहीं ना कहीं क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। तो हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले फॉर्मेट जानो, प्रॉफिट एंड, दिख रहा है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पता हो गया कि हम लोग का कौन सा है, ये नॉमिनल अकाउंट से। आप यहां पर ईयर लिखेंगे फॉर द एंडिंग ईयर, यहां पर क्या होगा जी, रुपी ए पार्टिकुलर्स, और यहां पे अमाउंट, फिर यहां पे हो जाएगा पार्टिकुलर्स और फिर अमाउंट हो जाएगा। चलिए, यहां पर हम आपको मुख्य मुख्य एक्सपेंसेस का नाम बताते हैं, हेडलाइन का एक्सपेंसेस, ठीक है। सबसे पहले अगर इधर बात करें तो इनकम में कौन सा आएगा, जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट से, जो सीडी आया है डेबिट साइड में, वो हमारा बीडी साइड में आ जाएगा। इसको नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। वैसे क्या लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आया है? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट से आया है ना, ये यहां पर अमाउंट आ जाएगा। या फिर इसको ग्रॉस प्रॉफिट बीडी भी कर सकते हैं क्योंकि वहां सीडी निकालेंगे तो यहां पर बीडी आ जाएगा। ये इनकम हो गया, और भी कुछ इसमें इनकम होता है, लेकिन अब चलते हैं हम लोग यहां पर खर्च को माइनस करते हैं। और खर्च में कैसा सब खर्च होगा, इसका नाम जो हम लोग खर्च को देंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहले अगर बात करें तो कौन सा एक्सपेंसेस आएगा, क्या नाम लिखवाए थे बताइए? पहला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ना, पहला कौन सा आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ना, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये नंबर वन आएगा।
इसके अंतर्गत बहुत तरह का खर्च आएगा, ऑफिस से रिलेटेड खर्च, कानूनी से खर्च, संवैधानिक से रिलेटेड खर्च आएगा, जो कि अभी हम बताएंगे और उसमें सारा आपको लिख लेना है, ठीक है। तो हम खाली सिर्फ हेडलाइन देते जाएंगे। नंबर वन में ये हो गया, ऑफिस से रिलेटेड खर्च हो गया। नंबर टू में क्या आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। थोड़ा सा इसको बड़ा जगह बना लेते हैं, चलिए अच्छा इसी में कर देते हैं। क्या नंबर टू होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होगा, ये आ जाएगा नंबर टू हेडलाइन में। यहां पर सेलिंग से रिलेटेड खर्च आ जाएगा, इसके अंदर बताएंगे वो सारा, फिर लिख लेना है। फिर जो नंबर थ्री में कौन आएगा, फिनांस एक्सपेंसेस, फिनांस फिनांस एक्सपेंसेस। नंबर फोर, फिनांस के बाद एबनॉर्मल लॉसेस ना, एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस में ज्यादा नहीं आता है, दो बताए थे आपको, एक थीप है ना, और एक चोरी होगा, और दूसरा आग से। एबनॉर्मल लॉसेस किसको कहते हैं, जो अचानक हो जाता है, तो आग जैसे हो गया, आग लग गया, या फिर चोरी हो गया, ठीक है। तो ये आइटम आ जाएगा इसके अंदर। नंबर फाइव में आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। टोटल इतने ही प्रकार का एक्सपेंसेस आएगा, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जैसा कि यहाँ पर जो लिखे थे, पहला ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस के अंतर्गत बहुत तरह का एक्सपेंसेस होगा, जो भी नाम बताएंगे उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर फॉर्मेट भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये सारा खर्च है। हाँ जी, इसका इधर आ गया ग्रॉस, पहला प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के अंतर्गत हम छोटा छोटे एक्सपेंस इनकम को लिखते हैं, जैसे पहला कौन, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सा अमाउंट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, नहीं, अगर इंटरेस्ट आपका डेबिट बैलेंस रहेगा तो खर्च है, इंटरेस्ट अगर आपका डेबिट है तो खर्च है, इंटरेस्ट अगर क्रेडिट है तो इनकम कहलाएगा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर वही हो गया कि अगर इन्वेस्टमेंट से क्या आ रहा है, जहां पर हम पैसा लगाए वहां उस बिजनेस से क्या आ रहा है, हमको इंटरेस्ट आ रहा है, तो हमारा इनकम है, तो यहां पर इंटरेस्ट छोड़ दे रहे हैं उसको, वो भी हमारा इनकम आ जाएगा, क्रेडिट साइड में चल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये भी हमारा इनकम हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये भी सब इंटरेस्ट से रिलेटेड है, चलिए इसको हम लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ठीक है। बैंक में पैसा लगाए हैं या फिर कोई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए, तो वहां से हमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो हमारे लिए क्या बनता है, इनकम हो जाता है। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी हमारा इनकम है, ये भी हमारा क्रेडिट साइड में चला जाएगा। रेंट, अगर हम अपने बिजनेस की घर को रेंट पर लगा दिए, ठीक है, ऐसे हमारा रेंट खर्च भी होता है, कभी रेंट हमारा खर्च भी होता है, तो अगर खर्च रहेगा तो डेबिट डीआर लिखा रहेगा, तो हमारा डेबिट साइड में चल जाएगा, और अगर हमारा रेंट सी आर है, यानी प्रॉफिट है, इनकम है, तो हमारा वो क्रेडिट में चल जाएगा, तो सी आर लिखा रहेगा, यानी प्रॉफिट है। नेक्स्ट जी, रेंट फ्रॉम सब लेट से, है ना, आपको पता है इस तरह का भी इनकम होता है कि नहीं, रेंट से ही रिलेटेड है, रेंट फ्रॉम सब, मतलब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, किराया पर खुद लिया दो रूम, और एक रूम में खुद रहता है और एक रूम में को किराया पर लगा दिया, 1,000 पर अपना रूम लिया था और किसी और दोस्त को 1,500 में दे दिया, तो 500 रुपये इनकम हो रहा है ना, तो वो क्या हो गया, उसको क्या बोलते हैं, सब लेट बोलते हैं उसको, सब लेट इनकम, यानी रेंट फ्रॉम सब लेट इनकम। नेक्स्ट है डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट आपका इनकम भी होता है और डिस्काउंट आपका खर्च भी होता है, तो यदि अगर वो सी आर है तो समझे वो क्या है,
इनकम है, अगर डिस्काउंट अगर डी आर है यानी डेबिट है तो क्या हो गया आपका लॉस आ गया। नेक्स्ट जो है रिजर्व, ये तो खैर आपका प्रॉफिट है, रिजर्व हो गया चाहे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हो गया, रिजर्व आपका रहेगा तो प्रॉफिट हो गया, लिख देते हैं रिजर्व, ये भी आपका क्या हो जाएगा इनकम हो जाएगा रिजर्व। ठीक है रिजर्व ये भी आपका इनकम हो जाएगा। नेक्स्ट डिविडेंड ऑन शेयर, ये भी आपका इनकम होगा, डिविडेंड अगर किसी कंपनी में पैसा शेयर में अगर पैसा लगाए हैं तो डिविडेंड वहां से मिलेगा। ठीक है कंपनी में पैसा लगाओगे और शेयर खरीदे हैं तो वहां से डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट नाम नहीं होगा, बैंक में पैसा लगाएंगे तो वहां से इंटरेस्ट का नाम आएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट आ गया प्रीमियम, ये भी इनकम है, बैड डेप रिकवर्ड, बैड डेप्स रिसीव्ड भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है यानी जो बैड डेप हुआ था जो नुकसान हुआ था वो फिर बिजनेस में इनकम आ गया, पैसा रिकवर हो गया तो आपके लिए प्रॉफिट हो गया, इनकम साइड आ जाएगा। प्रॉफिट ये तो खैर जान रहे प्रॉफिट है तो क्रेडिट में आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर ये आपको नया नाम है थोड़ा सा, ये इसको लिखा देते हैं, बाकी प्रॉफिट तो आप जान रहे अगर प्रॉफिट लिखा हुआ है तो निश्चित तौर पर वो क्रेडिट में आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई बिजनेस क्या कर रहा है कुछ समय के लिए दो पार्टनर तीन मिलकर क्या ज्वाइंट होकर कोई बिजनेस चलाया और प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट हुआ तो कहाँ जाएगा वो क्रेडिट में जाएगा। मतलब सीधा सीधी अगर प्रॉफिट है तो भाई आप क्रेडिट में उसको रख दीजिए जो भी प्रॉफिट होगा। फिर यह क्या बोल रहा है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी आपको समझाए थे हम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट इसका क्या बताए थे काजल, गेन और प्रॉफिट में हम अंतर बताए थे। ठीक है गेन और प्रॉफिट में अंतर बताए थे, गेन का मतलब बताए थे कि प्रॉफिट का पहले मतलब आप समझे थे जो बिजनेस आप चला रहे हैं और जो चीज का बिजनेस चला रहे हैं वो बिजनेस से अगर बेचने पर अगर आपका जो प्रॉफिट आता है अर्निंग होता है वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। यानी जैसे आपका कपड़ा का बिजनेस है और कपड़ा को बेचकर अगर आपका अर्निंग होता है तो उस अर्निंग को प्रॉफिट बोलेंगे जो भी मेरा इनकम आएगा अधिक। लेकिन अगर उस कपड़ा का बिजनेस में आपका कोई पुराना जनरेटर था, कोई आपका फ्रिज था है ना, इन्वर्टर था, अगर उसको आप बेच दिए खराब हो गया या फिर आपको लगता है बड़ा हमें ज़रूरत है और बड़ा खरीदने के कारण अभी छोटे वालों को बेच दे रहे इससे कोई अर्निंग हो गया तो इसको क्या बोलेंगे कैपिटल गेन बोलेंगे। ठीक है जो हम पूंजी लगाए थे उस पर हमको अर्निंग हुआ है कुछ अधिक पैसा है तो उसको हम गेन बोलेंगे और प्रॉफिट किसको बोलेंगे जो मेरा बिजनेस से आएगा। ठीक है तो इस प्रकार का इनकम है बस मुख्य रूप से इतना ही। और कमीशन रिसीव्ड तो आप जानते हैं है ना, कमीशन रिसीव्ड एक कमीशन यहाँ नहीं लिखे है ना कहीं पे, चलिए लास्ट लिख देते हैं कमीशन रिसिप्ट। तो ये देखिए क्रेडिट साइड में टोटल मुख्य रूप से इतना ही टाइप का इनकम आएगा। अब हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के अंतर्गत हम बता दे रहे हैं, नाम लिखवा दे रहे हैं कौन कौन सा आएगा और उसको आप फटाफट रिकॉर्ड कर देंगे। नहीं पहला जो है क्या लिखवाए होंगे, पहला है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के अंतर्गत पहला आएगा सैलरी है ना। ये देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि ऑफिस का मतलब ऑफिस वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है तो ऑफिस से रिलेटेड खर्च आएगा। ठीक है दूसरा है सेलिंग एक्सपेंसेस, तब फिर सामान को क्या किया जाएगा ऑफिस का खर्च करने के बाद सेलिंग के ऊपर खर्च होगा। ठीक है ये हमारा ऑफिस का खर्च हो गया, ऑफिस का मतलब जहाँ हमारा बिजनेस है जहाँ सामान को बेच रहे हैं तो वहाँ पर जो कर्मचारी हो गया जो काम करे ऑफिस से रिलेटेड का खर्च हो गया। ठीक है दूसरा है कि सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग यानी जो हम बाहर का खर्च करेंगे जो सामान को बेचने का है ना, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया जो अब फिर हमारा जाएगा लेने का पहुंचाने का कस्टमर के घर तक पहुंचाने का
है ना, कुरियर एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो इस तरह का खर्च आ जाएगा मेरा सेलिंग में आ जाएगा। फिनांस एक्सपेंसेस होगा, हमें पैसा लाना होगा, हमें बहुत सारे पैसा की ज़रूरत होती है शुरू स्टार्टिंग में। जब हम बिजनेस करेंगे तो हमें स्टार्टिंग में पैसा की ज़रूरत होती है, और पैसा को लाने के लिए हमें बहुत खर्च भी करना होता है। अगर हम लोन भी लेने जाते तो हमें पैसा लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनांस एक्सपेंसेस कहते हैं। फिर हमें एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस मतलब अचानक कभी नुकसान हो गया, जैसे चोरी हो गया हमारा बिजनेस में, हमारा बिजनेस में आग लग गया कभी, तो ये मेरा क्या है, सब इसको खर्च को माइनस करके तभी ना हम नेट प्रॉफिट बोलेंगे, ये सारा खर्च को माइनस करेंगे तभी नेट प्रॉफिट को कहेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस और भी छोटा मोटा खर्च होते रहता है, तो सारा जब हम खर्च को माइनस करेंगे तब हमारा क्या कहलाएगा, वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो हम बताते हैं पहला, ऑफिस के अंतर्गत कौन कौन सा ऐसा एक्सपेंसेस आएगा, है ना। अभी तो मोटा मोटी चीज़ को बताएं कि ऑफिस का मतलब क्या, जैसे वहाँ ऑफिस में कर्मचारी है, मैनेजर है, तो सैलरी देना पड़ेगा, और क्या क्या हो सकता है, देखिए सुनिएगा। सबसे पहले सैलरी चला जाएगा, सैलरी एंड वेजेस वही हो गया। ऑफिस का रेंट जाएगा, रेट्स जाएगा एंड टैक्स जाएगा, ठीक है, ऑफिस का रेंट जाएगा ना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस में है तो छोटा मोटा प्रिंटिंग करना पड़ेगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्ट भी करना होगा, टेलीग्राम करना होगा, इसके ऊपर खर्च जाएगा, है ना। टेलीफोन चार्ज, वहाँ पर कस्टमर क्या टेलीफोन करना पड़ेगा, कॉल भी करना पड़ेगा, आ रहा है सामान, गया नहीं पहुँचा, कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे भी हम लोग फ्लिपकार्ट से अमेजोन से मंगाते हैं तो कॉल करता है कि नहीं करता है, तो उसका तो चार्ज लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, तो सारा खर्च कहाँ जाएगा, ये ऑफिस से सारा बात होता है, ये सारा ऑफिस का लग रहा है कि नहीं, कि सबको ऑफिस का ही खर्च है, चाहे वो टेलीग्राम करना हो, चाहे प्रिंटिंग करना हो, ये सब कहाँ का खर्च है, ऑफिस का खर्च है। फिर के स्टाफ को बोनस देना है ना, स्टाफ को बोनस देना है त्यौहार में, अगर स्टाफ जितना काम कर रहा है ऑफिस में तो बोनस से कहाँ का खर्च है, ये सारा मेरा ऑफिस का खर्च है। फिर है इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस करवाना पड़ता है बिजनेस को, है ना। अब मान के चलो चोरी हो गया, आग लग गया, तो उसका भरपाई कैसे होगा, अगर हम इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे तो फिर हमारा होगा ना नुकसान ज़्यादा, जो होना चाहिए कम वो हो जाएगा ज़्यादा, इसीलिए इंश्योरेंस भी करवाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा ना, तभी तो इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस तो बिना पैसा के बिना थोड़ी होगा। फिर क्या है जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस मतलब वही छोटा मोटा चाय पानी का मान लो, उसी में आ जाएगा। ऑफिस का लाइट जाएगा जी, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ऐसे एक ही में आ गया, नहीं ऑफिस का आप लाइट बोलो चाहे इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का लाइट जल रहा है तो सारा एक ही। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड करने में ऑफिस का एक्सपेंसेस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, ऑडिटर भी हो गया, इसके बारे में चर्चा किए थे। ऑडिटर का मतलब क्या होता है कि कंपनी को साल साल में ऑडिट करवाना पड़ता है, जांच करवाना पड़ता है कि हमारा बिजनेस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर यहाँ का जो अकाउंटेंट है वो सही कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहाँ गलत कर रहा है कोई क्या, तो इसके लिए हमें बाहर से एक अकाउंटेंट को बुलाना पड़ता है, सीए को बुलाना पड़ता है, ऑडिटर को बुलाना पड़ता है जो ऑडिट करता है, उसके लिए चार्ज देना पड़ता है, तो वो भी हमारा खर्च में, ऑफिस का खर्च में चला जाएगा। नेक्स्ट है जी डायरेक्टर का फी जाएगा, रिपेयर एंड रेनुअल जाएगा, लीगल एक्सपेंसेस जाएगा, इंटरेस्ट डीआर मतलब वो खर्च है, हम कहीं पैसा लिए होंगे हमें ज़रूरत पड़ा होगा तो इंटरेस्ट देना पड़ा होगा, तो हमारा इंटरेस्ट लॉस है डेबिट। तो ये जो है जितना भी नाम बताएं वो सारा का सारा रिकॉर्ड कर लेना है इसके अंदर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, है ना। सेलिंग एंड देखिए सेलिंग में क्या क्या जाएगा, कैरेज आउटवर्ड सामान को पहुँचाने का खर्च हो गया। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया। सेलिंग एजेंट को सैलरी देना पड़ेगा, जो एजेंट है जो सामान को बेचवाता है उस एजेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। फिर क्या है कमीशन तो हो गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी हो गया, सेलिंग का एजेंट भी, सेलिंग एजेंट सैलरी, सेल्समैन सैलरी, कमीशन, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, सेल्स टैक्स, रेमुनरेशन टू एजेंट, सब एक ही जैसा नाम है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है। ये सारा कहाँ का किस प्रकार का खर्च है, सारा ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का खर्च है। फिर है बैड डेट हो गया जी, वेयर हाउसिंग का रेंट चला गया, गोडाउन का रेंट चला गया, ब्रोकर चला गया, ब्रोकर यानी दलाली का खर्च चला गया, कन्वीनियंस एक्सपेंसेस चला गया, कन्वीनियंस आने जाने का, फ्री सैंपल दुकान में भी क्या करता है एजेंट लोग, जब नया नया सामान को देना पड़ता है तो बेचवाना होता है तो पहले एक सैंपल में देना होता है, ठीक है। और सैलरी ऑफ सेल्समैन,
ये सारा हमारा जो खर्च गया है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, ठीक है। अब चलते हैं फिनांस एक्सपेंसेस। फिनांस यानी जहाँ पर हमको पैसा की ज़रूरत होती है और पैसा लाने के लिए हमको कुछ खर्च करना होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जहाँ से पूंजी लाए होंगे वहाँ इंटरेस्ट गया होगा, या फिर हम खुद पैसा लगाए होंगे तो बिजनेस के पॉइंट भी से बना रहे हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है तो जो कैपिटल आया है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो भी माइनस करना होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आप ओवरड्राफ्ट पैसा लिए तो वहाँ पर इंटरेस्ट देना होगा, बैंक चार्ज देना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन बिल, डिस्काउंट अलाउड, आप कस्टमर को डिस्काउंट दिए हैं वो भी आपका लॉस है। डेप्रिसिएशन, आपका बिजनेस का जितना भी एसेट है वो सारा डेप्रिसिएट हो रहा है, कम हो रहा है उसका वैल्यू, वो भी आपके लिए क्या है, सारा लॉस है। सारा ये कहाँ चल जाएगा, फिनांस एक्सपेंसेस के अंतर चल जाएगा। एबनॉर्मल लॉसेस में बता दिए, फायर और थीप हो जाएगा, और मिसलेनियस में जैसे चैरिटी आप कर दिए, है ना, चैरिटी मुख्य रूप से यही है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, है ना, लाइसेंस फी, ये सारा कहाँ चल जाएगा, मिसलेनियस में चला जाएगा। तो मुख्य रूप से आप ये अगर इतना याद रखेंगे मोटा मोटी, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इतना प्रकार का एक्सपेंसेस होता है, एक ऑफिस से रिलेटेड खर्च होता है, सेलिंग होता है और फिनांस एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। चलिए तो इसको और इसके ऊपर फिर क्वेश्चन अभी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। हाँ, नेट प्रॉफिट इसमें कैसे आएगा, तो सारा हम लोग इनकम को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये इनकम हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और इसको हम लोग यहाँ पर खर्च को सारा माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा जी, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, ठीक है। और कभी क्या होगा, ये साइड यानी खर्च ज़्यादा हो जाएगा, इनकम कम होगा, तो इधर निकलेगा नेट लॉस निकल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट है, तो आप लोग ये लिखे हुए थे फॉर्मेट और बुक में था। चलिए अब हम लोग इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बनाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, हटा दे तो इसको, यहाँ पे रुपीस हो जाएगा, क्रेडिट पार्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे रुपीस हो जाएगा, यहाँ पे पार्टिकुलर हो जाएगा, और इधर डी आर जरूर यूज करना है, ठीक है, वरना फिर स्टेटमेंट बन जाएगा। डी आर सी आर का यूज नहीं करोगे ना तो फिर स्टेटमेंट की गिनती में आ जाएगा ये। चलिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में पहला क्वेश्चन था बुक में, तो पहला क्वेश्चन बना लिए जी। अब आपको ये देखना है मोटा मोटी चीज़ें को कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्वेश्चन कैसे बना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कैसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट दोनों मिक्स बनाएंगे तब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में लेवल बढ़ेगा, और जब तीनों बनाना पड़ेगा तब थोड़ा सा और लेवल बढ़ जाएगा। नहीं चलिए तो पहला देखिए क्वेश्चन में है, करें फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। सैलरी, पहला सैलरी बता रहा है, ठीक है, 12,000 का है। कैरेज आउटवर्ड, सब आपको देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे बड़ी बात ये अच्छा है कि अभी हम जो आपको हेडलाइन बताएं ना, कितना हेडलाइन बताएं, बता सकती है, पहला कौन सा हेडलाइन दिए, पहला जो हेडलाइन दिए हैं सेलिंग एंड, पहला हेडलाइन क्या था, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का था, दूसरा हेडलाइन था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का था,
तीसरा था फिनांस एक्सपेंसेस था, और चौथा था मिसलेनियस एक्सपेंसेस था। तो यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि आपको जाकर उसके अंदर नहीं दिखाना है, बस बस ये जान लेना, ये समझ लेना है कि खर्च है तो इसको डेबिट में लिख देना है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा बात है। तो सीधी सीधी बात है कि सैलरी सैलरी 12,000 ये खर्च है डेबिट साइड में, तो एक अंक हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं, साथ साथ में क्वेश्चन बन जाएगा क्या। तो पहला सैलरी ये क्या होता है, हमारा बिजनेस के लिए खर्च है, तो सैलरी हमारा डेबिट में चला जाएगा, और अमाउंट कितना है जी, 12,000 है। नंबर टू, कैरिज आउटवर्ड। देखिए कैरिज आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब क्या हो गया, सामान को अगला तक पहुंचाने का भाड़ा एक तरह से। तो कैरिज आउटवर्ड कितना है, कैरेज आउटवर्ड 2,000 है। नेक्स्ट क्या है, रिपेयर्स। देखिए ये भी आपका खर्च है कि नहीं, रिपेयर्स कितना है, 300 है। नेक्स्ट ये भी देखिए, ऑफिस में ही अभी जाता है ना, तो हम लोग कोई इंडिकेट नहीं करना, बस जानना खर्च है तो खर्च को लिख देना है 500। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, अगर यहाँ बुक के अकॉर्डिंग चले तो देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस आया, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड। अब बताइए अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है तो कहाँ जाएगा, इनकम हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिख रहे हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट है 600। नेक्स्ट है अप्रेंटिंग प्रीमियम, किधर जाएगा, डेबिट में ही हो जाएगा ना, ये खर्च है अप्रेंटिंग प्रीमियम कितना का, 500। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, ये भी आपका खर्च है डेप्रिसिएशन कितना का, 400। हाँ कौन कौन ये वाला अप्रेंटिंग प्रीमियम क्या लिखा हुआ हिंदी में, प्रशिक्षण आर्थिक प्रीमियम, ये आपका इनकम है, इनकम बताए थे। अच्छा चलिए ठीक है, इसको हम यहाँ पर भी लिख देंगे, आगे इसको भी रुक कर आगे लिखेंगे, ठीक है। आगे चलिए क्या, फिर डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड, ये तो आपका खर्च है डिस्काउंट अलाउड, कितना डिस्काउंट अलाउड है 1200। नेक्स्ट है रेंट एंड रेट्स, ये भी आपका खर्च है रेंट एंड रेट्स, कितना है 3200। नेक्स्ट स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, ये तो खर्च है ना, स्टेशनरी स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग कितना का, 1000 का। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो खर्च है कितना का, 700। नेक्स्ट बताइए इंश्योरेंस, ये भी तो खर्च में जाएगा ना, कितना का इंश्योरेंस 700, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर इंटरेस्ट गया तो खर्च हो गया ना, ये इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 450। मिसलेनियस रिसीव्ड हुआ है तो इनकम होगा या क्रेडिट, मिसलेनियस विविध प्राप्तियां हुआ है तो इनकम हो जाएगा ना, मिसलेनियस रिसीव्ड हुआ, अगर वहां मिसलेनियस एक्सपेंसेस होता तो डेबिट होता ना, मिसलेनियस
मिसलेनियस रिसिप्ट्स 850। फिर क्या है? अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट एक हम छोड़ दिए थे ना, जो जो जगह यहाँ छोड़े हुए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट किधर चल जाएगा? क्रेडिट में ग्रॉस, इसीलिए जगह छोड़े थे इसको, यहीं पर ठीक रहता है ये। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 36,000 हो गया, ठीक है। और एक बैड डेब्ट्स है, तो बैड डेब्ट तो आपका क्या हो गया? डेबिट यानी लॉस में जाएगा ना, बैड डेब्ट लास्ट है, बैड डेब्ट्स, और कितना है? 1,200। अब ये वाला जो था, ये अमाउंट जो आप बोल रहे हैं प्रीमियम आपका, शायद ये इनकम हुआ है ना, ठीक है ना। अब प्रिंटिंग प्रीमियम, ठीक है, चलिए अगर बताए होंगे तो आप जोड़ के बताइए कितना आता है, बताए थे ना एक बार पहले क्वेश्चन, आज इसको लिख दे इधर, तब चलिए लिख देते हैं। अब प्रिंटिंग, हम प्रिंटिंग प्रीमियम 500, चलिए बताइए तब जोड़ के इधर कितना होगा, घटाकर इधर जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा जी? 37,950। एक बार चेक कर लें, 50 इधर हो जाएगा, 8 और 5 13, 13 और 6 19 ना, ठीक है ना, 13 और 6 19 का 9 हाथ में 1 6 और 1 7 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब माइनस करके बताओ, 37,950 रुपया आया, 37,950 रुपया। अब माइनस करिए और देखिए कितना आता है। अच्छा, इसको हटा देते हैं ना यहाँ पे, ये आपका हट गया, नेट प्रॉफिट, ये आप सीडी भी लिख सकते हैं या फिर बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिए, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 2,300। माइनस कर लो, ठीक है ना, कितना? 2,000, 14,300। माइनस किए हो ना, 14,300। आंसर कितना है? चौदह हजार तीन सौ, ठीक है ना। चलिए, तो बस इसमें मुख्य रूप से आपको खर्च के बारे में और इनकम ऐसे तो दिमाग में आ जाता है, ठीक है, कि कौन सा आपका खर्च है, कौन सा आपका इनकम है, ठीक है। 2, 4, 5 क्वेश्चन बनाएंगे, सब आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये आइटम खर्च होता है, ये आइटम इनकम होता है, ठीक है। 2, 4 बनाएंगे तो अपने आप हो जाएगा, शुरू तो आपको लगेगा थोड़ा सा टफ, ठीक है, लेकिन हम देखो आप लोग 1 से 2 बार अभी पढ़ रहे, दोबारा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग को लिए आसान हो गया, सर आप जान गए है ना, अभी इसके बारे में तुरंत जान गया, प्रिंटिंग प्रीमियम, एक बार उस समय धोखा हुआ होगा, रबर तो नहीं ना हुआ, रबर जान गए कि हाँ ये इनकम होगा, है ना। तो ये चीज़ है, 1 से 2 बार आप अगर बनाएंगे तो फिर रिवीजन होगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा और बेस्ट हो जाएगा। तो पिक कर लो इसको। अब जो क्वेश्चन में आएगा हम लोग का, प्रिपरेशन ऑफ कंबाइंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, साथ में इसको आज हम लोग बना लेंगे और तब हम लोग कल से जो है बनाएंगे साथ में बैलेंस शीट और एक साथ वाला कैसे बनेगा, ये भी आप लोग से धीरे धीरे अब अच्छा लगने लगा होगा, नहीं बन जाता है ना, क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, चलो शुरू तो लग रहा होगा ऐसा कि हमको भी पता है, हम भी झेले हैं, देखे हैं, शुरू तो ऐसी अजीब लग रहा होगा, नहीं पता ही नहीं चल रहा था, मनीषा तो और हालत ख़राब हो जाएगा, जाने दो क्या करेगी, उसका मन ही नहीं लगता उसको पढ़ने में, उसका उल्टा आदत है। अब क्लास वाला भी वीडियो शायद देखती होगी या नहीं, क्या
इंटरनल आया नहीं और तुम 4 दिन पहले डर के बैठ गई, तुम उसके चक्कर में क्यों बैठ गई? हाँ, जितना डरोगी वो मर जाएगी, बता रहे हैं ना, डरने से पहले भूत मत बनो। जब आप परफेक्ट तैयारी में हो, अब बताओ इतना तैयारी कर, इतना हो गया है तो डरना क्या, डरने से मतलब डर गई ना, पहले तुम अपने आप को डरा ली। वैसे क्या होता है डरने से कि आप जो भी चीज़ जाने रहे वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे, आपको डर अपने आप बना ली क्रिएट की, अगला कोई डराया नहीं, आप खुद डर क्रिएट कर लिए। 4 दिन पहले से अगर हम बैठ गए एग्जाम को लिए, इंटरनल वो भी इंटरनल, और हम तो कहते हैं एक्सटर्नल में भी नहीं, सेमेस्टर में एक्सटर्नल में भी नहीं बैठना है, कल एग्जाम है, कल एग्जाम दे के आइए, फिर अगर 2 दिन गैप है तो 2 दिन फिर क्लास करिए आप, उससे क्या कि डर नहीं बनता है। और आप पहले एकदम एकदम कर दिए तो अपने आप को डर क्रिएट कर लिए हम कि नहीं हम वैसो एग्ज़ाम लिखने वाले, जैसे लग रहा है कि हम कुछ अलग काम कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो ये तो डर ऑटोमेटिक क्रिएट है। मोदी जी भी बोले कि हम लोग क्या करते हैं, बोले थे अगर जो 2024 में परीक्षा पर चर्चा करते हैं हर एक साल, परीक्षा पर जब 11th और जब 12th और मैट्रिक का जब एग्ज़ाम होता है फरवरी वाला महीना में, तो उसके 20 दिन महीना जो 20 दिन पहले जो है परीक्षा पर चर्चा करते, वो बात क्यों बोले? स्टूडेंट लोग तरह तरह का सवाल बोल रहा है कि सर बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ऐसा टेंशन हो जाता है, कैसे इस चीज़ को कंट्रोल करें? तो उन्होंने कहा कि आप खुद क्या करते हैं एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के दिन खुद अपने से उसको हम प्रेशर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, नया नया खान पीन एकदम स्टार्ट कर दिए, नया अगर कपड़ा है तो नया कपड़ा एकदम कि हाँ ये कपड़ा को उसी दिन पहन के जाना है, शगुन बनाने के लिए कुछ और तरह तरह का खाना एकदम खा रहे हैं, है कि नहीं? तो वो क्या क्रिएट कर दिए हम कि हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं उस दिन, और कुछ स्पेशल करने वाले वो डर तो बन गया और स्पेशल हो जाता है। तो ये चीज़ है, आप जो पढ़े हैं साल भर जो पढ़े, आपको भरोसा है कि हम कर लेंगे, जैसे क्लास जाते थे वैसे क्लास गए, जैसे यहाँ एग्ज़ाम लिख रहे थे टेस्ट लिख रहे थे वैसे एक दिन वहाँ से लिख के आ जाना है, उस तरह दिमाग संतुलित हो, जो कपड़ा पहन रहे थे वही कपड़ा, जो खाना खा रहे थे वही खाना खा के जाएंगे। तो सगुन बनाने में असगुन कर लेते हैं हम लोग, ये है प्रेशर बनाने का। और खास कर सेमेस्टर में तो लोग को जो है ऐसा में करना ही नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम हो, 11th 12th जिसका भी एग्ज़ाम हो। चले तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, ठीक है, जैसे जो ऑनलाइन क्लास को देख रहे होंगे और देखेंगे उनके लिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है, मैं जैसे भी आप फॉर्मेट बनाइए सीधा, ठीक है, अगर आपको साथ में बनाना है तो, या फिर आप देख सकते हैं कि कौन आइटम कहाँ होता है और कैसे ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, या फिर आपके पास दूसरा तरीका है, अगर आपको पता चल गया होगा कि आप हमसे बन जाएगा तो आपके पास ऑप्शन है कि आप फॉर्मेट डायरेक्ट बनाइए, और फॉर्मेट बनाने के बाद हम जैसे आइटम पढ़ें, जैसे सैलरी, तो आप कॉपी में क्या करो जाकर सैलरी लिख दो कहाँ पे, कि हाँ डेबिट में होगा, जैसे फिर पढ़े और एक्सपेंसेस वेजेस ये कहाँ जाएगा मेरा, ठीक है। वैसे तभी आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस साथ साथ में नहीं सीखे होंगे क्योंकि अभी हम पहली बार बनाने जा रहे हैं साथ साथ में, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अनुभव होगा तो हम जैसे करेंगे वैसे एक बार कर लेंगे तो फिर दूसरा बार में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए कैसे बनेगा, मतलब एक बार दोनों एक बार फॉर्मेट क्रिएट कर लेना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का दोनों एक बार फॉर्मेट क्रिएट करेंगे और जोन आइटम जहाँ का होगा वो वहाँ चला जाएगा, लेकिन आपको दिमाग में रखना होगा कौन सा खर्च ट्रेडिंग का है और कौन सा खर्च प्रॉफिट का है। तो इसके पहले अगर आप ट्रेडिंग का खर्च नहीं जाने तो पहले ट्रेडिंग का खर्च जान लो, है ना, वो पहला क्लास में बताया गया है, फॉर्मेट भी साथ में बताया गया है, थोड़ा सा जगह बड़ा होगा ना जी, क्योंकि इस पर खर्च ज़्यादा लग रहा है या फिर कम है, हो जाएगा, चलो ज़्यादा तो लग नहीं रहा है, यहाँ पर लिखते हैं ट्रेडिंग, दिख रहा है यहाँ पर जी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट,
लाइन सीधा हो रहा है। चलिए हो गया, क्रेडिट हो जाएगा जी। पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर और रुपीस, और यहाँ पर भी पार्टिकुलर्स हो जाएगा। ये लेजर है, ठीक है, ये डेबिट। अब देखिए, हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट दोनों लिखे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और अभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से इतना में बन जाएगा, नहीं इतना में ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा, और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं प्रॉफिट लॉस का बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आइटम आएगा उसी आधार से बैठाएंगे, अरेंजमेंट करेंगे, एक बार देख लेना है। पहला देखिए सैलरी है, तो सैलरी अभी जस्ट बताए थे, सैलरी मेरा कौन सा खर्च है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, ये दिमाग में रखना होगा, अभी जस्ट बताए तो अंदाज हम कर लेते हैं। सैलरी यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये कहाँ हम लिख रहे हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का लिख रहे हैं, ठीक है। सैलरी कितना का है, 9000 का है, ठीक है। फिर है कमीशन पेड, अब देखिए अच्छा वहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते, फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस ऑफ सब दिस ना, ट्रेडिंग कंपनी है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 का, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इसका दिया हुआ है सर, ट्राई बैलेंस बना के दिया है क्या, नहीं ट्राई बैलेंस नहीं बना के दिया है, ठीक है, मतलब डेबिट क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है फॉर्मेट में, ठीक है। और सैलरी है, तो सैलरी देखिए डेबिट में लिखा है, तो डेबिट में लिखा है तो यानी ये लॉस है, खर्च हो जाएगा। दूसरा कमीशन पेड, अब देखिए कमीशन पेड खर्च भी हो सकता है इनकम, ऐसे कमीशन पेड किया तो इट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस है ना, ये आप एक्सपेंसेस है, तो खैर आपका तो यहाँ पर चल जाएगा खर्च में, कमीशन पेड कितना डेबिट में है तो ये खर्च ही है 2200। फिर है कैरेज ऑन परचेस, ये भी देखिए कैरेज ऑन परचेस कहाँ जाएगा, यही आपको ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ये कैरेज ऑन परचेस है, देखिए सामान खरीदने के ऊपर खर्च है, तो सामान खरीदने के ऊपर खर्च है कहाँ, रॉ मटेरियल, यानी ये कहाँ जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अच्छा ये पहले क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, तो है इसमें ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है कि क्लोजिंग स्टॉक खाली है, जी हाँ ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ पर हम ओपनिंग स्टॉक का भी पढ़ नहीं पाए हैं कि हाँ ऐसो, लेकिन अभी हम जगह एक छोड़ देते हैं क्योंकि हमेशा ये रहेगा ही रहेगा, बाय चांस इसका नहीं रहेगा लेकिन 99% में ओपनिंग स्टॉक रहेगा, उसके बाद हमेशा यहाँ पर आपको परचेज देखने को मिलेगा हमेशा, ठीक है, ये ट्रेडिंग होता है। अब परचेज है तो अधिकतर परचेज रिटर्न भी आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एक जगह छोड़ दी क्योंकि सुटेबल, आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, एक सवाल आया था कि सर आगे पीछे लिख सकते हैं, बेचक आप आगे पीछे भी परचेज रिटर्न को लिख सकते हैं, परचेज को जैसे ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर भी लिखते कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में भी लिख रहे कोई दिक्कत नहीं, एक सुटेबल जो होता है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे ज़्यादा बेहतर होता है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। हाँ जी, तो अभी क्या था, कैरेज ऑन परचेज, आप देखिए इतना लिख लिए हैं, अब यहाँ से हम डायरेक्ट खर्च को नाम लिखेंगे, ठीक है। तो कैरेज ऑन परचेज यानी कि देखिए ये जो परचेज किए हैं ना सामान रॉ मटेरियल, उस सामान को खरीदने के ऊपर खर्च है, ऑफिस का खर्च नहीं है, फिनांस का खर्च नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैरेज, ये क्या रहता है कैरेज आउटवर्ड, समझिएगा कैरेज ऑन परचेज और कैरेज ऑन आउटवर्ड, मतलब कैरेज भाड़ा कहाँ लग रहा है, सामान को पहुँचाने में, कस्टमर तक पहुंचाने में, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, ये मेरा आ जाएगा प्रॉफिट लॉस वाला। कैरेज ऑन परचेज सामान को खरीदने का खर्चा हो गया, मतलब सामान हम जब खरीद रहे थे ला रहे थे फैक्ट्री में तब का खर्चा है, तो मेरा कहाँ हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, कैरेज ऑन परचेज कितना 1800। नेक्स्ट है बैड डेब्ट, देखिए बैड डेब्ट कहाँ होगा, जब सामान बिकेगा तब तभी ना, तब बेच कहाँ रहे हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो बैड डेब्ट यहाँ पर हुआ है और अभी जस्ट लिख ही रहे थे, बैड डेब्ट कितना 800। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस, ये भी यहीं पर आएगा,
जनरल एक्सपेंसेस कितना? 4000। नेक्स्ट टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये भी यहां पर होगा, टैक्स एंड कितना? 2000। नेक्स्ट वेजेस, देखिए वेजेस आपका यहां पर चल जाएगा, मजदूरी फैक्ट्री का, लेबर भी रहता है कभी, कितना है? 1000। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ना, कितना है ओपनिंग स्टॉक? 22000। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक अभी जगह छोड़े थे, 22000 यहां लिख देते हैं। फिर क्या है? परचेज, परचेज कितना है? 1,10,000। और फिर परचेज रिटर्न है? नहीं है ना, चलिए इसका जगह यहां पर हट जाएगा। क्या परचेज खाली कितना है? 1,10,000 है। नेक्स्ट सेल्स, तो देखिए सेल्स यहां पर आ जाएगा, सेल्स का अमाउंट कितना है? 1,50,000। इसी के साथ में है सेल्स रिटर्न, और वो कितना है? 2000। इसको माइनस करके बाहर में लिखा दीजिए, 1,48,000। नेक्स्ट है डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट खाली लिखा हुआ है ना, तो उसको देखना है कि डी आर है कि सी आर। तो डिस्काउंट देखिए डी आर है, डेबिट वाला में लिखा हुआ है, तो डी आर हो गया तो खर्च हो गया, सी आर में रहता तो प्रॉफिट हो जाता, अरे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। डिस्काउंट कितना? 1600 ना, ठीक है। फिर इंटरेस्ट, देखिए खाली इंटरेस्ट लिखा है, ये भी अगर इंटरेस्ट अगर डी आर है तो लॉस हो गया, अगर डिस्काउंट अगर सी आर रहता तो प्रॉफिट हो जाता, तो डिस्काउंट डेबिट में है, सॉरी इंटरेस्ट ना, इंटरेस्ट कितना? 1760 रुपया। एडवर्टाइजमेंट, ये तो खर्च है ही, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कितना है? 3000। अब है कैरेज ऑन सेल, देखिए अभी बता रहे थे कैरेज ऑन परचेज, परचेज मतलब सामान खरीदने का खर्च, कैरेज ऑन सेल मतलब सामान बेचने के ऊपर खर्च, तो ये हमारा कहाँ चल जाएगा? प्रॉफिट और लॉस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कैरेज ऑन सेल ना, कितना? 1000। 1000 हो गया। अब लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको पता है कि बताए थे ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और कितना? 20,060 रुपया आ गया, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए टोटल, कितना आएगा जोड़ने पर? इसको अच्छा, पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का फाइंड करेंगे ना, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, चलिए निकाल लो, जगह है यहाँ पे 8 ना, 4 और 2 6 और 1, 1,68,000 हाँ 1,68,060 रुपया। अब यहां पर निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट और सीडी, कितना आएगा? 33,260 रुपया। फिर ये आ जाएगा हम लोग का क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, हाँ कि 33,260। अब फिर ये आ जाएगा यहाँ पर 260, ये फिर आ जाएगा यहाँ पे आपका 33,260।
और इसको फिर निकाल देंगे हम लोग नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर ना, कितना आएगा? यहाँ दो लाइन से इसको बंद करना, कितना आएगा? 7,900, ये आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको बनाना है। जब साथ में बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट अकाउंट का एक साथ फॉर्मेट बना लो लॉन्ग। ठीक है, बस आपको दिमाग में आना चाहिए, ऐसे आपका जो है ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा कोई आइटम नहीं जाएगा एक दो से, लेकिन अब फिर भी ध्यान में होना चाहिए कि कौन ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और कौन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मारे एक दो क्वेश्चन आप बनाएंगे ना, दो तीन क्वेश्चन, तो सब अपने आप दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, शुरू को डरना नहीं है। चलिए, तो इसको बंद करते फिर हम लोग अब कल के जो क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, उसमें जो है साथ में आपको बैलेंस शीट भी बनाना होगा, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट भी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और साथ में बैलेंस शीट भी बनाना होगा। ठीक है, एक नया अकाउंट आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आ जाएगा, है ना। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको बनाएंगे। ठीक है, जाओ।